और चलिए बात करेंगे अंतरिम बजट की। सीएम भजनलाल शर्मा की सरकार का पहला बजट आज राजस्थान विधानसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पूर्ण बजट नहीं बल्कि अंतरिम बजट पेश होगा। सदन में वित्त मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रही डिप्टी सीएम दिया कुमारी अंतरिम बजट को पेश करेंगी। अंतरिम बजट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जनहित भावनाओं की पूरी झलक देखने को मिल सकती है। जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट में सरकार कई घोषणाएं कर सकती है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि आज जो अंतरिम बजट पेश हो रहा है उसमें सरकार कई घोषणाएं कर सकती है। सरकार इस लेखानुदान में भी पेट्रोल डीजल पर वैट में कटौती जैसी बड़ी घोषणा कर सकती है। वैट को लेकर ज्यादा आसार इसलिए भी बन रहे हैं क्योंकि राजस्थान के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, गुजरात और हरियाणा के मुकाबले प्रदेश में वैट की दरें ज्यादा है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने लगातार इस मुद्दे को उठाया था, लिहाजा अब की बार सरकार वैट में कोई राहत दे सकती है। इसके साथ ही चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का स्वरूप बदलने के साथ ही इसे ज्यादा प्रभावी बनाने पर फोकस रहेगा। सरकार की कोशिश इस बात की होगी कि किसान वर्ग को कुछ सौगात दी जा सके। इसके लिए किसान सम्मान निधि बढ़ाने का ऐलान भजनलाल सरकार के बजट में किया जा सकता है। महिलाओं को बड़ी राहत देने का ऐलान भी भजनलाल सरकार पहले भी कर चुकी है। सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हटाने के बाद अब सरकार नई भर्तियों का ऐलान कर सकती है। हालांकि फिलहाल ये सीमित दायरे में होंगी, लेकिन मुख्य बजट में इन भर्तियों का दायरा बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना पर भी अहम घोषणा हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये जो अंतरिम बजट आज पेश होने वाला है उसमें कई सारी चीजें शामिल हो सकती है। और क्योंकि आज डिप्टी सीएम दिया कुमारी इस अंतरिम बजट को पेश करेंगी और ये बजट आपको बता दें कि ये पूर्ण बजट नहीं है, ये सिर्फ 4 महीने के लिए होगा, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार इन घोषणाओं के जरिए जनता को चुनावी वादे पूरे करने का मैसेज जरूर देने की कोशिश करेगी। और आप देख रहे हैं कि फिलहाल यहां पर सदन में जो है कल भी चर्चा हुई थी इस बात को लेकर और अंतरिम बजट में राहत देने की कोशिश इस बार की जाएगी। हम लगातार आपको बता रहे हैं बार बार कि ये जो बजट है वो अंतरिम बजट है और इस बार जो रूपरेखा है भजनलाल सरकार में ये अंतरिम बजट क्या कुछ कहेगा इसके बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि 20 सालों बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री के बजाय डिप्टी सीएम यानी कि डिप्टी सीएम दिया कुमारी बजट को पेश करने जा रही है। ऐसे में सभी की निगाहें सिर्फ और सिर्फ फिलहाल राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी के अभिवादन पर टिकी हुई है। आपको बता दें कि इस अंतरिम बजट में दिया कुमारी डीजल पेट्रोल पर वैट, जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया, उसको कम करने का इसमें घोषणा हो सकती है, क्योंकि जो इसके आसपास की जो जगह है यानी कि हम बात करें दूसरे राज्यों की जहां पर इसमें जो वैट है वो कम है, तो प्रदेश में ज्यादा वैट है पेट्रोल डीजल पर, उसको कम किया जा सकता है। उसके अलावा कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम होगी, हर घर नल हर घर जल इसको लेकर भी कुछ चीजें होंगी, चिरंजीवी योजना आयुष्मान योजना से मर्जर हो जाएगा इसमें, इसको लेकर भी हम आपको जानकारी देंगे। तो क्या ये सारी चीजें इस बार इस बजट में देखने को मिल सकती है? हालांकि अब राजस्थान की लोगों की जो नजरें हैं वो भजनलाल सरकार के बजट पर टिकी हुई है और आपको बता दें ऐसे में आज का ये अंतरिम बजट इसको लेकर फिर से सियासी नजरें राजस्थान के वित्त मंत्री दिया कुमारी के बजट पर है, क्योंकि ये देखने को मिल रहा है कि हर वर्ग के लोगों को बजट से उम्मीदें होती है, लेकिन ये बजट कितना लुभावना होगा, क्या कुछ स्कीम्स होंगी नई, कौन सी घोषणाएं हो सकती है, क्या घोषणाएं होंगी या नहीं। लेकिन हम आपको ये बता दें कि ये अंतरिम बजट और पूर्ण बजट में अंतर होता है। अंतरिम बजट में सरकार किसी बड़ी नीति को घोषणा करने से बचती है और आज हम बजट के बारे में जब बात कर ही रहे हैं, हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़ रहे हैं, उनसे मैं आपको मिलवाना चाहूंगी और उन्हीं से हम आगे चर्चा करेंगे कि आखिर वो इस बजट को कैसे देखते हैं और एक एक करके मैं आपसे उन्हें इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। सबसे पहले सुरेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ बीजेपी नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास शो में। राजेंद्र शर्मा है विश्लेषक हमारे साथ। बाबूलाल गुप्ता जी आप व्यापार संघ राजकुमार शर्मा कांग्रेस नेता, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। और अंतरिम बजट है आज पेश होने वाला है उसको लेकर कैसा आप इस बजट को देखते हैं, क्या कुछ घोषणाएं हो सकती है इस बार भजनलाल सरकार में,
हर वर्ग के लोगों को उम्मीद है कि हमारे लिए ये आएगा अच्छा, वो आएगा अच्छा, नई स्कीम आ सकती है। लेकिन अगर देखा जाए आप लोगों के नजरिए से, तो ये बजट कैसा हो सकता है? एक विश्लेषण के तौर पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले सुरेंद्र सिंह शेखावत, बीजेपी नेता, हमारे साथ है। सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी, सर कैसे आप इस बजट को देखते हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार ये बजट लेकर आ रही है, अंतरिम बजट है ये, पूर्ण तो जुलाई में ही आएगा, तो कैसा क्या कुछ रहने वाला है एक नजर में अगर आप शॉर्ट में बता सके तो? क्या लोगों को राहत देने वाला बजट होगा या उनकी सांसें और बढ़ जाएंगी? राजस्थान जी देखिए, निश्चित रूप से राजस्थान विधानसभा में जो बजट आज एंट्रेंस बजट पेश हो रहा है जी, हालांकि पूर्ण बजट नहीं है, लेकिन इस बजट में आपको 5 साल की सरकार का विजन निश्चित रूप से नजर आएगा। देखिए राजस्थान की फाइनेंशियल कंडीशन पिछले 5 साल में जो खराब करके कांग्रेस ने छोड़ी है, स्थिति बहुत खराब है। और हम उम्मीद करेंगे कि राज्य की वित्त मंत्री एक वित्तीय कठोर वित्तीय अनुशासन वाला बजट पेश करे, ताकि आगामी 5 साल राजस्थान विकास के नए आयामों को छुए, विकास के प्रगति पथ पर आगे बढ़ सके। हम सब लोग जानते हैं कि राजस्थान पर 5.59 लाख करोड़ का कर्ज अशोक गहलोत सरकार छोड़ के गई है। प्रति व्यक्ति जो कर्ज है वो 70,000 रुपये चला गया 39,000 रुपये से बढ़कर, जो GSDP का 40% है। तो इस तरह का वित्तीय कुप्रबंधन जो अशोक गहलोत सरकार करके छोड़ के गई है, जो राजस्थान का कुल राजस्व है 1.14 लाख करोड़ था और खर्चा 1.29 लाख करोड़, यानी कि सीधा सीधा 115% खर्च तो केवल वेतन में, पेंशन में और कर्ज का ब्याज चुकाने में जा रहा था। तो कई बार राजस्थान में पिछले 5 साल में ओवरड्राफ्ट की स्थिति बनी। सत्ता में बने रहने के लिए इस तरह का वित्तीय कुप्रबंधन कर देना, राजस्थान के लोगों के हित को ध्यान में नहीं रखना, तो ये जो तमाम स्थितियां रही इनसे उभरते हुए राजस्थान विकास के नए आयाम स्थापित करे, राजस्थान के लोगों को रोजगार मिले, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, और केंद्र की जो योजनाएं राजस्थान के लिए, पूरे देश के लिए हैं, उनमें राजस्थान की भागीदारी पूरी हो सके। राजस्थान ये जो डबल इंजन की सरकार बनी है, तो केंद्र की सरकार के साथ मिलकर कदम ताल कर सके, और आने वाले 5 साल निश्चित रूप से राजस्थान के उज्जवल भविष्य वाले हैं। जो जो वादे इन चुनाव में हम लोगों ने किए, मोदी की गारंटी जो थी, वो तमाम गारंटियां पूरी हो रही हैं। और आपने देखा है पिछले महीने डेढ़ महीने में जिस तरह से सरकार ने बहुत तेज़ी से SITs बनाई हैं, चाहे वो पेपर लीक के खिलाफ हों, गैंगस्टर के खिलाफ हों। हमने 450 रुपये में सिलेंडर का जो वादा किया वो पूरा किया है, और वेस्टर्न राजस्थान के लिए ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो एक महत्वपूर्ण योजना है, उस पर दोनों राज्यों की सहमति बनाकर केंद्र की मध्यस्थता में MOU हुआ है। आप भरोसा रखिए कि जिन वादों को लेकर हम चुनाव में गए थे वो तमाम वादे, ठीक है, राजकुमार शर्मा जी, साल मैं आपके पास आना चाहूंगी, और इस बजट में यहाँ आपको पर उसका विजन नजर आएगा। जी सुरेंद्र जी, तो ये कह रहे हैं कि भरोसा रखिए, बजट जो है अंतरिम बजट ही सही, लेकिन इसमें कई सारी चीजें हैं इस लेखानुदान में जो लोगों को राहत पहुंचाएगी। अगर बात की जाए पिछली सरकार की, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे वादे कांग्रेस सरकार ने भी किए थे, लेकिन धरातल पे कितनी चीजें, बजट तो वो भी लेकर आई थी, लेकिन यहां पर क्या लग रहा है बीजेपी सरकार जब अब है, तो क्या लग रहा है कि इस बार आपकी जो योजना लेकर आए थे आप लोग, अब नई योजना बनेगी, कई सारी स्कीम है जिनको बदला भी जा रहा है, आप इस बजट को कैसे देखते हैं, क्या ये फायदा पहुंचाएगी या नहीं? देखिए मैडम, राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। पिछले 60 दिन हो गए भारतीय जनता पार्टी 3 दिसंबर को दोपहर में इनको राजस्थान की भोली और समझदार और बहादुर जनता ने इनको मैंडेट दे दिया था। पूर्ववर्ती सरकार अशोक गहलोत जी की जो शानदार काम करी थी, राजस्थान के हर तबके को बहुत लाभ देने का काम करी थी, राजस्थान की जनता ने अपने दिल के ऊपर एक बड़ा पत्थर रख के भारतीय जनता पार्टी को 115 का मैंडेट दिया, और 115 का मैंडेट देने के बावजूद भी आज दिन तक भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री कभी दिल्ली जाते हैं, कभी पर्ची लाते हैं, कभी देवी देवताओं की ढोक लगाते हैं, कभी माला और सत्कार में लगे हुए हैं। राजस्थान की जनता बार बार पूछ रही है कि वो जननायक जो पहले वाले मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी, उन्होंने आम जनता का को देखते हुए 25 लाख रुपए का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा किया था, क्या गलती होगी राजस्थान की जनता से कि वो 25 लाख रुपए का बीमा आज बंद कर दिया गया है? वो कर्मचारी वर्ग पूछ रहा है कि हमसे क्या गलती हो गई
कि आपने आरजीएचएस बंद कर दिया, हमसे क्या गलती हो गई कि आपने ओपीएस अभी तक आगे नहीं बढ़ाया। राजस्थान की जनता अपने आप को पूछ रही है, बेरोजगार पूछ रहे हैं, नौजवान पूछ रहे हैं और महिलाएं पूछ रही है। तो राजस्थान की जो पहली जो मुख्यमंत्री के अलावा पहली महिला वित्त मंत्री है, निश्चित तौर पर 20 साल के बाद आज पहला बजट पेश करेंगी। ये 4 महीने के लिए बजट होगा, लोकसभा चुनाव को देखते हुए होगा। कांग्रेस पार्टी उम्मीद करती है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा बजट पेश करे, महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, पेट्रोल डीजल को लेकर के, गैस को लेकर के और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा को लेकर के, दुर्घटना बीमा को लेकर के और कर्मचारियों का जो ओपीएस उनको लेकर के, तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी टच करेगी और राजस्थान की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेगी। ऐसी कांग्रेस पार्टी आज इनसे उम्मीद करती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर तो राजकुमार जी ने कह दिया है कि उम्मीद तो यही है बीजेपी सरकार से कि इस बार जो लेखानुदान आएगा वो लोगों के भरोसे को और विश्वास को और बढ़ाएगा। और साथ ही मैं अभी चलूंगी राजेंद्र शर्मा जी आपके पास, विश्लेषक के तौर पर आप क्या देखते हैं? दोनों की बातें आपने सुनी, लेखानुदान आज 11 बजे आने वाला है, कैसे आप देखते हैं कि क्या कुछ नया इस बार देखने को मिलेगा, क्या थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आगामी 2-3 महीने बाद में मई के अंदर लोकसभा के चुनाव होने हैं और जो भी लेखानुदान की जो झलक होगी आप उसमें निश्चित रूप ही देखिएगा कि चुनाव को लेकर के झलक होगी। चुनाव के अंदर जाना है, बीजेपी को भी जाना है, कांग्रेस को भी जाना है, दूसरी पार्टियां भी जाएगी, तो जो चुनावी हिसाब से इसका लेखानुदान के अंदर हमको घोषणाएं देखने को मिलेगी। इसलिए यह तो कहना गलत होगा कि निराशाजनक होगा या और कुछ होगा, क्योंकि चुनाव के अगर निराशाजनक अगर लेखानुदान लेकर के आते हैं, उसमें घोषणाएं की जाती है, इस तरह की चीज़ें की जाती है, तो चुनाव के अंदर उसका प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए निश्चित रूप से पब्लिक को अपनी ओर खींचने की और पब्लिक को लाभान्वित करने वाली योजनाएं इसके अंदर निश्चित रूप से आएगी। और ख़ासतौर से इन्होंने जो चुनावी प्रचार के दौरान जो वादे किए हैं उनकी कहीं ना कहीं झलक इसमें ज़रूर दिखाई देगी। अब मेरा तो ये भी मानना है कि जो हमारे पड़ोसी प्रदेश हैं, बल्कि जो दूसरे प्रदेश हैं जैसे हरियाणा है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, इनकी योजनाओं की कुछ झलक हमको इसमें लेखानुदान में देखने को मिल सकती है। हरियाणा का कस्टमाइज पैकेज जो सिस्टम है जिसके अंदर स्थानीय लोगों को रोजगार देने की जो व्यवस्था है वो चीज़ इसके अंदर झलक में आ सकती है। गुजरात का जो मेडिकल सिस्टम है, जो चिकित्सा व्यवस्था है उसके अंदर वॉलंटियर सिस्टम है, वो इसके अंदर आ सकता है। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि चिरंजीवी योजना मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के अंदर या कुछ इसी नाम इसी मिलते जुलते नाम के रूप में आने वाली है। इसके साथ ही ओपीएस को लेकर के जो काफ़ी चर्चा के बिंदु रहे हैं और ओपीएस के, तो ऐसी संभावनाएं मान करके चली जा सकती है कि आंध्र प्रदेश के अंदर जो पैटर्न है कि जो कर्मचारी को लास्ट बेसिक पे मिलती थी, रिटायरमेंट के टाइम पे जो बेसिक पे मिलती थी उसका 50% उसकी आधी राशि पेंशन के रूप में मिले, उस तरह के कोई प्रावधान हो सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो सबसे चर्चित जो रही है लखपति दीदी योजना, उसकी भी इसमें झलक मिल सकती है। हालांकि ये सब संभावना है क्योंकि अब तो 11 बजे बाद में अपने को पता चला कि उस पिटारे में से क्या निकल कर आता है। और एक अच्छी चीज ये है कि 21 साल बाद में यानी 2003 के अंदर जो बजट किसी वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया, वित्त मंत्री मुख्यमंत्री के अलग हट करके, अब के बाद भी उसी तरीके से अलग से वित्त मंत्री यानी प्रद्युम्न सिंह जी ने 2003 के अंदर, जहाँ तक मेरे को ध्यान है उन्होंने बजट पेश किया था और अब दिया कुमार जी बजट पेश करने जा रही, तो एक अच्छी परंपरा है और ये भी एक आगे बढ़नी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ बाबूलाल गुप्ता जी व्यापार संघ से हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, जरा उनका रुख भी करते हैं। एक एक सवाल मैंने सबसे लिया। बाबूलाल जी, राजस्थान के उद्योग और व्यापार क्षेत्र के लोगों को भी बजट से काफी उम्मीद है, अगर आपकी बात की जाए तो क्या आप इस बजट को कैसे देखते हैं अंतरिम बजट के तौर पर ही फिलहाल? देखिए, हम तो जो व्यापार और ट्रेड और इंडस्ट्री है वो तो एक ही बात चाहती है कि कहीं ना कहीं हमें सहूलियतें मिले। एक तो ये पेट्रोल और डीजल की बात बराबर आ रही है, अगर इसमें दरें कम की जाती हैं तो इससे काफ़ी ट्रेड को और इंडस्ट्री को लाभ होगा। दूसरा, हम ये अपेक्षा भी कर रहे हैं कि जैसे अभी जो केंद्र का बजट आया था उसमें ये कहा गया था कि तिलहन की पैदावार ज़्यादा बढ़ाई जाएगी, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारे यहाँ की जो सरसों हैं और जिसकी बराबर हम मांग भी करते आ रहे हैं कि भाई कम से कम ये 60 लाख टन पैदा होती है तो हम 120 लाख टन पैदा कर सकते हैं,
इसमें किसान को आपको सहूलियतें देनी पड़ेगी, बरानी जो ज़मीन है उसको चाही बनानी पड़ेगी, अच्छा बीज देना पड़ेगा, समय से खाद देना पड़ेगा, तो ये बातें भी हम सोच रहे हैं कि करने की हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश ने कृषि मंडी सेस भी कम किया है, तो हम भी सोच रहे हैं कि राजस्थान भी उसी अनुरूप 1% मंडी टैक्स करेगा और कृषक कल्याण कोष को ख़त्म करेगा। अब बात करें हमारे MSME की, MSME में कुछ छूटें दी हुई हैं जो केवल नई जो इंडस्ट्री आने वाली है उसको है, तो हम चाहते हैं कि भाई जो सब्सिडी आप नई इंडस्ट्री को दे रहे हो वो पुरानियों को भी दें ताकि वो मरे नहीं, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि जितनी पुरानी इंडस्ट्रीज हैं वो करीब करीब 50% के करीब बंद होने के कगार पर है, तो उन्हें वापस पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार हम टूरिज़्म की बात करें तो टूरिज़्म भी हम सोच रहे हैं कि 3 तरह का टूरिज़्म है राजस्थान में।